दुर्गेश क्लास में आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें। जानते हैं JSSC हाई स्कूल का अपडेट। हाई स्कूल नियुक्ति 9 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में होगी यह कानूनी प्रक्रिया। आगे देखें, सोनी कुमारी बनाम राज्य सरकार के इस वाद में हजारों अभ्यर्थी बने हैं पक्षधर। दैनिक झारखंड न्यूज रांची। राज्य हो रही हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में 9 अप्रैल को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। सोनी कुमारी द्वारा फाइल रिट पिटीशन W.EC नंबर 1287/17 में हजारों अभ्यर्थी इंटरवेनर यानी पक्षधर बने हैं। सभी को अपने नौकरी को लेकर चिंता सता रही है। अभ्यर्थियों के मन में यह सवाल दौड़ा है कि आखिर 9 अप्रैल को क्या होगा। इसके पक्ष में उच्च न्यायालय का फैसला आएगा। कई अभ्यर्थियों ने अपने लोकप्रिय न्यूज पोर्टल दैनिक झारखंड से बातचीत कर यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 9 अप्रैल को क्या हो सकता है। 9 अप्रैल को नहीं होगा अंतिम फैसला। 9 अप्रैल को उच्च न्यायालय कोई अंतिम फैसला नहीं लेगा। सूत्रों के अनुसार 9 अप्रैल को बेच यह आंकड़ा देखेगी कि कितना अभ्यर्थियों इस वाद में पक्षधर बने हैं। इसके बाद यह देखा जाएगा कि अभ्यर्थियों के ओर से कितने वकीलों का वकालतनामा फाइल है। वादी और प्रतिवादी दोनों ओर की संख्या को देखा जाएगा। इसके बाद सबसे पहले वादी सोनी कुमारी के वकील की बहस सुनी जाएगी। इसके बाद वादी की ओर से दायर वकीलों की बहस सुनी जाएगी। वादी और उनके पक्षकार का बहस खत्म होने के बाद दूसरों पक्ष यानी राज्य सरकार के वकील एवं उनके पक्षकार ही बहस सुनी जाएगी। बहस सुनने के बाद लॉ पॉइंट की बिंदु पर दोनों पक्षों की बहस होगी। दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष के सपोर्ट में संबंधित कागजात जमा करेंगे। इसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। यह सब एक दिन में होना संभव नहीं है। पहले दिन यानी 9 अप्रैल को सिर्फ पक्षकारों के आंकड़ों एवं उनके वकीलों की उपस्थिति देखी जाएगी। वादी के वकील की दलीलें सुनने के बाद इसमें अलग डेट पड़ने की संभावना है। अगली तिथि से अन्य वकीलों की दलीलें सुनी जाएगी। सभी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। पक्षकार अपने सभी तरह की बातें कोर्ट के सामने रख सकेंगे। इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। पूरे राज्य की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करेगा यह फैसला। इस रिट पिटीशन में आने वाले फैसले पूरे राज्य की नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। चूंकि यह आम जनता एवं पूरे राज्य से जुड़ा मामला है, इसलिए कोर्ट सभी को अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहता है। यही कारण है कि अखबार के माध्यम से कोर्ट ने आम जनता को इस मुकदमे में पक्षकार बनने के लिए पब्लिक नोटिस दिया, ताकि किसी को यह न लगे कि उसका पक्ष नहीं सुना गया। नियुक्ति प्रक्रिया के साथ साथ यह मामला राज्य के स्थानीय नीति प्रभावित करेगा। क्या है इस केस में? पलामू की सोनी कुमारी ने राज्य के 13 जिलों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के खिलाफ याचिका दायर की है। इसके अनुसार राज्य के स्थानीय नीति संविधान की अनुसूची 5 अनुच्छेद 309 के भाग 5 का 1 के खिलाफ है। सोनी कुमारी के अनुसार सरकार किसी नागरिक को अपने ही राज्य में कहीं भी नौकरी करने पर नहीं रोक सकती। तो अभी तक का अपडेट यही रहा हाईकोर्ट से संबंधित। तो ऐसे ही न्यूज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।